Hi guys welcome back to the channel वैसे अब से कई महीनों पहले एक ऐसी फिल्म का टीज़र हमने देखा था जिसको देखने के बाद सबके होश उड़ गए थे जी हाँ मैं बात कर रही हूँ तेलुगु मूवी हनुमान की और बहुत टाइम से अवेटेड है कि इस फिल्म पर कोई अपडेट आए कुछ पता चले और अभी इस वक्त जो है मेरे पास आ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ साथ साथ में एक छोटा सा एनालिसिस करने वाले हैं हम आदि पुरुष के साथ इस फिल्म का क्योंकि ये दोनों के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सेम है तो क्या कम्पेरिजन होगा क्या अनालसिसिस होगा और क्या मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ हनुमान को लेकर वो सब शेयर करूंगी आज के वीडियो में इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए एक ऐसी फिल्म है जो मई में, में आने वाली है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ये एक पेशकश है और प्रशांत वर्मा इसके डायरेक्टर हैं इस फिल्म के अब नाम सब लोग जानते हैं कि मैं हनुमान की बात कर रही हूं हनुमान की बात कर रही हूं लेकिन जब ये फिल्म का टीज़र आया था आपको याद होगा उस वक्त पर बहुत शोर मचा था कि ये फिल्म जो है आराम से 100 करोड़ क्रॉस करेगी 200 हंड्रेड क्रोर्स क्रॉस करेगी जबकि इसका बजट सिर्फ 10 टू 15 करोड़ है उसके कुछ टाइम के बाद हमने टीज़र देखा आदि पुरुष का जिसको देखने के बाद लगा कि यार ये क्या देख लिया बाय गॉड ये ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे उसके बाद बातें हुई कि ये आदि पुरुष जो है उसके वी पर दोबारा से काम शुरू हो गया है कॉस्ट्यूम्स पर शूटिंग पर मतलब सब कुछ रीडू हो रहा है सब कुछ अब पता नहीं पैच वर्क कहें उसको या क्या कहें लेकिन हाँ मेरे हिसाब से अब उसको कवर अप करने के लिए सब काम हो रहा है सो अपडेट ये है न्यूज़ ये है कि हनुमान जो है ये इसकी जो डेट लॉक हुई थी मे ट्वेंटी ही रहेगी ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे को ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है और इसके प्रमोशंस जो हैं बहुत जल्दी अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी हमको इस फिल्म का ट्रेलर देखने को मिल सकता है और शायद ऐसा हो सकता है कि इस फिल्म का कोई ना कोई सॉन्ग भी हमको जल्दी ही देखने को मिले सो so, हनुमान को लेकर लोगों में इतनी एक्साइटमेंट क्यों रही उसका नंबर वन रीजन ये था कि ये जब हमने टीजर में देखा जो विजुअल्स थे विजुअली इस फिल्म ने हमको जो फील कराया और साथ साथ में इसका जो म्यूजिक था बैकग्राउंड स्कोर था चलता जा रहा था जो डायरेक्शन थी उसको लेकर लोग बहुत एक्साइटेड हुए इंक्लूडिंग मी मतलब ऐसा कहीं से आप देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई बहुत स्मॉल बजट मूवी है ऐसा लगेगा कि ये एक बड़े दर्जे पर बड़े पैमाने पर बनाई गई मूवी है जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है वर्सेस वही कहानी जो आदि पुरुष की है जिसमें ऊंची दुकान फीका पकवान देखने को मिला कि अब पैसा पानी की तरह बहाया गया उसमें लेकिन जो हमको वी देखने को मिले जो हमको विजुअल्स देखने को मिले और साथ में जो डिपिक्शन भगवान हनुमान जी का जो था वो देखकर बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा श्री राम जी का भी जितने भी हमारे जो हमारे कैरेक्टर्स थे उस मूवी में जो हैं वो देखकर बहुत दिल टूटा था तभी ये याद आ रहा था कि यार जब हनुमान जैसी मूवी है एक मूवी है जो कम बजट पे बन सकती है लेकिन बनी हुई है लेकिन आप उसका आप उसको देखिए एक बार आपको समझ में आएगा कि यार ये दिस इज़ समथिंग दैट इज़ शोइंग करेक्टली कि अगर हमारे भगवान को दिखाना है तो उनको अच्छे से ठीक से दिखाया जा रहा है तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी आ, फिल्म आदि पुरुष के टीजर में तो हनुमान या हनुमान जो बोला जा रहा है मेरे हिसाब से एक कॉन्सेप्ट भी मेरे ख्याल से अपने आप में इतना यूनिक है जो इससे पहले शायद हमने देखा सुना नहीं था कि यार आ, हम हनुमान जी को भगवान के मानते हैं कि हमारे भगवान हैं लेकिन एक इंसान में उनका स्वरूप होना और फिर वो जो हम सुपर हीरोज़ की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सच बात है ये जो डॉट्स हैं ये कनेक्ट किए नहीं इससे पहले किसी ने कि जी हाँ ये सुपर हीरो भी थे और अभी भी हैं माना जाता है ये अभी भी हैं इस धरती पर तो एक सुपर हीरो हैं और साथ में एक इंसान के स्वरूप में देखा जा रहा है तो आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर इसको किसी और इंडस्ट्री में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में बनाया जाता तो Uh, एक बॉडी जो है उस बॉडी पर पहले काम होता है उस शेप पर पहले काम होता है इज़ द कॉन्टेंट जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लुक्स की जो बातें हैं वो बाद में हैं जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम हुआ है एंड आई थिंक आदि पुरुष में ये चीज़ पीछे रह गई कि उसमें कॉन्सेप्ट की तो कोई बात ही नहीं थी एक कहानी जो एक ऐसी बात एक ऐसी गाथा जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वही उसी पर काम करना था लेकिन जो विजुअल्स थे यार वो इतने ज़्यादा ख़राब विजुअल्स की रावण है तो वो रावण भी हमको खिलजी लग रहा है हनुमान जी हैं वो भी हमें कोई और लग रहे हैं किसी ने भी कोई तरीके का कोई फील ही नहीं आ रहा जो वो जिस तरीके के कपड़े पहनते थे जो तिलक लगाते थे जो उनकी वेशभूषा थी वो सब कुछ भी हमको आदि पुरुष में देखने को नहीं मिलता है तो ये अब सवाल खड़े होते हैं कि अब आदि पुरुष पर जो दोबारा काम हो रहा है जो हमको शायद जून में देखने को मिलेगा वो उस हिसाब से होने वाला है या नहीं है क्योंकि अगर इससे पहले इससे जस्ट पहले हनुमान आ रही है और हनुमान ने वो चीज़ कर दिखाई तो आदि पुरुष के पर खच्चे उड़ जाएंगे आदि पुरुष कहीं की नहीं रहेगी वैसे भी आदि पुरुष कोई बॉलीवुड की मूवी बता रहे हैं कि बॉलीवुड की मूवी है सो आई हैव माई डाउट्स एंड आई एम रियली रियली यू नो स्केप्टिकल टू नो कि ये मूवी बन क्यों रही है अगर ऐसा हुआ है तो इस मूवी को बनाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे प्रभास की इमेज पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और जितने भी प्रभास के फैंस हैं हम लोग सब लोग हमें बस यही चिंता सताती है कि यार पता नहीं किसी गलत चीज़ में हाथ तो नहीं उन, उन्होंने डाला है जिसकी वजह से उनके इमेज पर फ़र्क पड़ेगा या लोगों में वो पसंद नहीं किए जाएंगे मेरे हिसाब से उनको या किसी भी साउथ एक्टर को ये चीज़ किसी भी साउथ एक्टर को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर वो बॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं तो उनका स्टोरी लाइन क्या है वो किस तरफ काम कर रहे हैं नहीं तो क्या होगा कि जो फैन बेस उन्होंने इतने टाइम से क्रिएट किया है बाहुबली के टाइम से क्रिएट किया है और वो अभी तक है बाहुबली टू का इम्पैक्ट आज तक है मैं आज तक भी वो मूवी एक टक बैठ कर देख सकती हूँ मैंने पता नहीं वो मूवी कितनी बार देखी है ये इम्पैक्ट है प्रभास का उस फिल्म में मुझे वही प्रभास को देखना था मुझे वही प्रभास चाहिए था आदि पुरुष में मुझे वही एक्टिंग वही स्किल्स वही कह सकते हैं फील वो वाइब चाहिए थी जो आदि पुरुष में बिल्कुल भी हमको देखने को मिली नहीं मिली सो अब द ओनली थिंग इज की जब आदि पुरुष वर्सेज हनुमान रहेगा मेरे हिसाब से हनुमान का पलड़ा ज्यादा भारी है लुकिंग एट द विजुअल्स लुकिंग एट द स्टोरी लाइन लुकिंग एट द लुक एंड फील एंड द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी आई बिलीव हनुमान विल बी बेटर वॉच देन आदि पुरुष आपको क्या लगता है और वैसे इसके टीजर ट्रेलर हनुमान के टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स का ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है ये बहुत जल्दी जल्दी हमारे सामने अब आने वाला है सो so आपको क्या लगता है कौन सी मूवी जो है वो ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करने वाली है क्या आपको लगता है कि हनुमान जो है वो ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी या आदि पुरुष जो है वो कुछ करके दिखाएगी मुझसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो केवट थम्स अप डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज कॉल स्टोरी फाइंग शेट